भ्रष्टाचारी है, बेईमान है या कतली है तो उसे जेल में भेजना चाहिए। एक दिन में पेट्रोल डीजल सब्जी अन्य सामानों की किल्लत हो गई थी। कहीं से उन्होंने इस्तीफा देकर के कहा हम ये चुनाव नहीं मानेंगे, इनके हटाओ, हम हमारा कर्नाटक में क्यों चुनाव हो गया, हिमाचल में हमारी पार्टी क्यों जीत गई, हमें भाजपा सिर्फ राम राम के नाम से, सनातन के नाम से, हिंदू मुस्लिम के नाम से सत्ता में आएगी। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, इस पर अगर इनसे बात करने के लिए कहो तो ये दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे, ये दंगे करा के सत्ता में आएंगे, वैसे नहीं आ सकते। धार्मिक अनुमान के नारे लगेंगे, देश विरोधी नारे लगेंगे तो वहाँ पे सीनी जाएगी जब। अरे ये दोगलेपन की नीति है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास में। के नैयर के साथ 49 में क्या हुआ था, एक केस तुमने ले लिया कि बस वो सरकार 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 कह रहे हो। ये बलात्कारी और संत को एक श्रेणी में तोलना चाहते हैं। हाफिज सईद को किसने छोड़ा था, भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा था। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, देश के अंदर राजनीतिक पारा बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर मैं लखनऊ के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ लोगों से चर्चा करेंगे कि 2024 के अंदर कौन प्रधानमंत्री बनेगा। देश के अंदर विभिन्न मुद्दे हैं, जैसे कल से फिर ट्रक ड्राइवरों ने आंदोलन की घोषणा कर दी है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज बिल्किस बानो के बलात्कार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो गुजरात के अंदर है उसको फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, और देश के अंदर विभिन्न मुद्दे जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो सर आपको क्या लगता है 2024 में किन मुद्दों के ऊपर चुनाव होने जा रहा है? देखिए चुनाव के मुद्दे तो बहुत हो सकते हैं, क्योंकि हर प्रांत में अलग अलग मुद्दे होंगे। ये राष्ट्रीय चुनाव है लेकिन प्रांत में अलग अलग मुद्दे होंगे। चुनाव बहुत ही अच्छा होगा, और गठबंधन अगर कायदे से लड़ा, धरातल पर उतर के लड़ा तो अभी तक आपको लग रहा है गठबंधन धरातल पर नहीं है, जमीन आसमान पर है? अभी देखिए धरातल पर पूरी तरह नहीं पहुंचा है। और जो अभी बिल्किस बानो की बात कर रहे थे आप, बिल्किस बानो के जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया है सरकार को, राज्य सरकार को, ये बहुत ही अच्छा है। और उन्होंने कहा कि उनको तत्काल पुनः जेल भेजा जाए। अच्छा। तो जो इस तरह का कोर्ट को हमेशा संज्ञान, किसी भी जाति धर्म का अपराधी हो, कोई भी अपराधी हो, उसको जेल में रखना चाहिए, बाहर नहीं छुट्टा छोड़ना चाहिए। और सरकार चुनावी लाभ के लिए इस तरह का काम करती है जो गलत है। किसी भी दल का हो, अगर भ्रष्टाचारी है, बेईमान है या कतली है तो उसे जेल में भेजना चाहिए। जिस तरह से ट्रक ड्राइवरों को भारत सरकार ने आश्वासन दिया था कि उनके खिलाफ जो कानून बनाया गया है उसको वापस ले लेगी सरकार, लेकिन अब ट्रक ड्राइवरों ने फिर कल से घोषणा कर दी है कि कहते हैं हम धरना प्रदर्शन द्वारा चालू करेंगे, तो आपको लगता है सरकार ने उनको ठग लिया है? एकदम ठग लिया है, और उन्हें सजग रहना चाहिए। अगर उन लोगों ने 4-6-10 दिन कर दिया हड़ताल तो पूरा का पूरा जो है माहौल विपक्ष का बन जाएगा, क्योंकि ये सरकार जो कहती वो करती नहीं है, वादा खिलाफी करती है। अच्छा। जब किसानों के साथ इस तरह की घटना घटी, कितने दिन तक धरना दिए, उसके बाद बड़े मुश्किल से इन लोगों ने वापस लिया। एक ट्रक ड्राइवरों का भी वही हाल होगा, जो कानून ये लोग ले रहे हैं। ट्रक ड्राइवर देश के अंदर हड़ताल में निकल गए तो देश के अंदर सब्जी किल्लत हो जाएगी, दूध की किल्लत हो जाएगी, पेट्रोल डीजल की किल्लत हो जाएगी, आपको नहीं लगता है? एक दिन में पेट्रोल डीजल सब्जी अन्य सामानों की किल्लत हो गई थी, और महंगाई बढ़ गई थी, दो गुना तीन गुना महंगाई बढ़ गई थी। जो सब्जी थी तीन गुना महंगी हो गई थी, अगर 5-6 दिन कर दिए तो पूरे देश में जो अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। अच्छा। और सरकार के ऊपर ये बहुत बड़ा जो है दोष लगेगा कि सरकार संभाल नहीं पा रही है, और सरकार जो है निष्ठुर हो गई है, जनता का ख्याल नहीं कर रही है, महंगाई चरम पे हो जाएगी और जनता का मूड बदल जाएगा, पूर्ण रूप में बदल जाएगा। ये राम मंदिर का जो ये बना रहे हैं कि राम मंदिर पर ही चुनाव लड़ लेंगे, वो जो पीछे हो जाएगा, महंगाई चरम पे हो जाएगी, महंगाई का मुद्दा सबसे आगे हो जाएगा, गरीबी बेबसी लाचारी का मुद्दा पहले हो जाएगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रही है, आपको नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी ज्यादा कॉन्फिडेंस के अंदर है? नहीं नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के ऊपर चुनाव नहीं लड़ रही है, आप ये गलत कर रहे हैं। जिस तरह से आपके सामने उन्होंने कहा है कि राम मंदिर के मुद्दे चुनाव लड़ा, नहीं नहीं राम मंदिर नहीं, सबका साथ सबका विश्वास सबके विकास पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही, सबका जो सारी जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी को सबको, वो तो आस्था है। अच्छा। राम पे आस्था शुरू से रही है, ये विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम और स्वयं संघ का और बजरंग दल का था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनका समर्थन किया, और शुरू से 89 से आज तक भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई में विश्व हिंदू परिषद के साथ थी और जनता के साथ थी। तो आपको नहीं लगता ये सबका साथ सबका विकास सिर्फ ढकोसला है भारतीय जनता पार्टी? नहीं नहीं ढकोसला नहीं, क्रिया की प्रतिक्रिया रही, ऐसा नहीं, उसके पहले भी कई सरकारों
ने आतंकवादियों या उन बलात्कारियों को रिहा करा जाएगा, बलात्कारियों का उनके अपराधियों के मुकदमे वापस हुए जो आपको याद होना चाहिए। आतंकवादी और महिला का बलात्कार होना दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। नहीं, महिला का बलात्कार किस स्थिति में हुआ, जब वहाँ पे दंगाई लोगों की भीड़, अब दंगाई ये कह लो चूंकि वहाँ वो हादसा हुआ उसमें कुछ लोगों ने किया, जब कोई समूह इकट्ठा होता, समूह में हर तरह के लोग होते हैं, जिन्होंने किया है उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो उस पर सरकार को ध्यान दे, चूंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता, देश संविधान और सुप्रीम कोर्ट से चलता है और कोर्ट ने जो आदेश दिया है। आप कह रहे हैं कि बलात्कार किन परिस्थितियों में हुआ, देखिए बलात्कार के अंदर परिस्थितियां नहीं देखी जाती हैं। नहीं नहीं, वो तो कह रहे हैं, हम खुद ही कह रहा हूँ ये गलत हुआ, अगर हुआ है तो उस पर सरकार संज्ञान लेगी और कोर्ट संज्ञान ले रही सरकार ने। सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन बलात्कारियों को छोड़ दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को फटकार लगाई है। नहीं नहीं, ये कुछ स्थितियाँ ये होती, जैसे कि लोग फांसी की सजा पाए हुए और वो राष्ट्रपति उसको छोड़ देता तो क्या उसको क्या कहोगे, कोई उसमें क्या राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना जाती, वो सरकार ने देखा हो सकता है सरकार से कुछ कानूनों में कमी रह गई होगी, उनको सुधार करके उनको जो निकाला उनको फिर बाहर निकालेगी, ऐसा करने उसकी पैरवी सरकार करेगी, पुरजोर करेगी। ये बताइए, दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट के वकील ईवीएम के खिलाफ धरना दे रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज करके उनका धरना खत्म करवा दिया सरकार ने, तो आपको लगता है कि लोकतंत्र के अंदर ऐसी घटनाओं को पुलिस को ऐसी घटनाओं को अंजाम देना चाहिए? अरे हमारी समझ में नहीं आ रहा विपक्ष किस तरह से नहीं, किस मुंह से नहीं, ये ईवीएम का रोना रो रहा, जब 2007-2005 में ईवीएम से उनकी सरकार बन गई, 2012 में बन गई, 2005 से 2014 तक उनकी सरकार ईवीएम से रही, कर्नाटक में उनकी सरकार ईवीएम से रही, कहीं से उन्होंने इस्तीफा देकर के कहा हम ये चुनाव नहीं मानेंगे, ईवीएम हटाओ, हम हमारा कर्नाटक में क्यों चुनाव हो गया, हिमाचल में हमारी पार्टी क्यों जीत गई, हम ईवीएम नहीं मानते, उसको पहले आप अपने घर में करके देखे, अपना तो जो जीत जाए ठीक। 2018 में मध्य प्रदेश राजस्थान ये जब जीते थे कांग्रेस, तब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव बड़ा चुनाव जीतने के लिए एक कदम पीछे हटती है और मतलब चुनाव के अंदर राज्य हार जाती है, लोकसभा जीत जाती है। बस यही है, जनता के विश्वास को, जनता के दिए हुए माइंडेट को ये हमेशा झुटलाते चले आ रहे हैं, जनता इसी का जवाब 2014 से दे रही, तुम जनता को पागल समझ रहे हो। आपके पक्ष के हम दूसरे इनसे बात कर लेते हैं, देश का अगला लोकसभा चुनाव आपको किन मुद्दों पर लग रहा होगा? कोई पूछने की बात है, बीजेपी तो राम के मुद्दे पे भी आएगी, हिंदू मुस्लिम के भी मुद्दे पे आएगी, बिल्किस बानो के मुद्दे पे भी आएगी, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, क्योंकि 2023-22-23 में गुजरात में चुनाव थे तो उन्हें बाहर कर दिया गया था और उन्हें माला पहनाई गई थी, अंदर बाहर अंदर बाहर। बलात्कारियों को जब जरूरत पड़ती तो माला पहना दी जाती है, ये वो सरकार पहले अंदर करती है बाहर करती है, फिर अभी अंदर करने के आदेश हो गए क्योंकि 2024 है, फिर मैं कहूंगा अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। ये नहीं भरो इनको कोर्ट पे, नहीं भरोसा कोर्ट को, भाजपा सिर्फ राम राम के नाम से, सनातन के नाम से, हिंदू मुस्लिम के नाम से सत्ता में आएगी, शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य नौकरियां महंगाई सुरक्षा इस पर अगर इनसे बात करने के लिए कहो तो ये दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे, ये हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान या सनातन के नाम पे ही सत्ता में आएंगे, ये दंगे करा के सत्ता में आएंगे, वैसे नहीं आ सकते। हाँ, मुस्लिम के नाम पे तुम लोगों ने 60 साल कांग्रेस ने यहाँ सरकार बनाई है, सरकार चलाई है, समझ गए, मुस्लिम के सिर्फ मुस्लिमों के नाम पे, अगर मुसलमानों के दम पे कांग्रेस सरकार बना लेती 60 साल तो आप 10 साल से क्यों नहीं बना पा रहे? अरे तो भाई तो बता रहे हम, मुस्लिम समाज उनको जान गया चूंकि उनको भी जूतियां बनाया, अगर उसी समाज का ये भला कर दिए होते, उस समाज को पढ़ने नहीं दिया, मदरसा तक के उनकी तालीम रखी उनको पढ़ने के लिए, जबकि छूट सारी थी इसलिए उनको पढ़ने नहीं दिया उस समाज को, कि उस समाज जब पढ़ जाएगा तो देश में समझ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो दो मुसलमानों के लिए आरक्षण थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, इन दोनों मुस्लिम यूनिवर्सिटियों से भी आरक्षण खत्म करने की कोशिश की है। होना चाहिए जो अभी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आप कह रहे हो सबका साथ सबका विश्वास, सबके सारे शिक्षण संस्थाओं में समान शिक्षा होनी चाहिए, समान वहाँ पे नहीं, किसी में ज्यादा आप दे देंगे किसी को, अगर वो मुस्लिम हिंदू बाहुल्य है तो हिंदुओं के स्कूल में हिंदू के लड़के पढ़ेंगे स्कूल में, ये नहीं होता। आप ये बताइए, ये होता नहीं है, लेकिन देश के अंदर विभिन्न यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर कितने परसेंट मुसलमान पढ़ रहे हैं?
अरे जितने पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़े, वो तो उनकी जिम्मेदारी है ना कि कोई पढ़ाने झगड़ा उठा घर से ले जाए तो उनको पढ़ाने थोड़ी ले जाएगी, ये तुम्हारे गार्जियन की जिम्मेदारी, क्यों नहीं पढ़ाया? और उसको सर जामिया एएमयू में पढ़ना है तो उनके उनकी शिक्षा छीनी जा रही है। हाँ तो उनकी शिक्षा छीनी का वहाँ पे जो जब धार्मिक अनुमान के नारे लगेंगे, देश विरोधी नारे लगेंगे तो वहाँ पे छीनी जाएगी, जब जहाँ पे वहाँ पे सारे सामान संविधान के हिसाब से काम किया जाएगा, संविधान के हिसाब से काम करिए। वे थोड़ी के अलीगढ़ मुस्लिम में भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, ये काम किसने किया है? अरे वहाँ पे कम्युनिस्टी ने कहा सो क्यों रही थी फिर हर सरकार ने, तो वहाँ सरकार दिल्ली में किसकी थी? सरकार उनकी है, है? केजरीवाल की, और उसमें गृह मंत्रालय केजरीवाल के पास नहीं, कार्रवाई हो तो रही है भैया, तो उस साल में कार्रवाई थोड़ी होगी। हाँ तो कार्रवाई हो रही, पकड़े गए हैं, समझ को कार्रवाई की बात करते हैं। जब भी किसी के साथ बलात्कार होता, मारपीट की घटना होती, कोई भी दुर्घटना होती है तो FIR जिसके साथ दुर्घटना होती है वो कराता है, लेकिन पार्टी सरकार होती है, सरकार मुकदमा लड़ती है, वो व्यक्ति मुकदमा नहीं लड़ता, वो व्यक्ति केवल गवाही और बयान पर ही आधारित होता है, बाकी सरकार बनाम मुकदमा होता है आदर्श अपराधी। तो जब सरकार वहां के केस में, बलात्कारियों के केस में गुजरात में इलेक्शन लड़ी और हार गई, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सही माना, सरकार वहां जीती, सुनिए आप, सरकार वहां जीती, सरकार ने साबित कर दिया कि ये बलात्कारी हैं, और तभी उनको जो है न्यायालय से आजीवन कारावास हुआ। तो फिर वहां की सरकार ने उनको छोड़ कैसे दिया? फिर सरकार ने अपने ही जिसको अपराधी घोषित कराया उसने निरपराधी का कर छोड़ने की आदत कहां से सीख ली? सरकार ने कह दिया उनका नेचर अच्छा है, ब्राह्मण है वो। तो जब FIR दर्ज हुआ था, जब वो केस लड़ रहे थे, तो सरकार कैसे कह रही थी कि आरोपी है, इन्होंने किया है, तब उनका नेचर नहीं था क्या? वही सरकार तो थी। वकील है क्या है यार, हमारी समझ में नहीं आ रहा, जब 20 साल से किसी के किसी को सजा हो, सरकार ने जब सरकार ने कोर्ट के अंदर मुकदमा लड़ा, कोर्ट ने सजा दी, कोर्ट ने सजा दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर दोबारा से उनको रिहा कर देगी। रिहा जब एक नहीं हजारों केस यार इस देश में हो रहे हैं कि लोग गुण आधार पे यहाँ लोग छोड़ देते, सरकारें उनके केस वापस ले लेती, यार एक हुआ है अभी जो 5-5 बम ब्लास्ट बनारस में और कैसरबाग में कचहरी में हुआ था और फैजाबाद में हुआ था, तो उसके नहीं छोड़े गए, उनके केस नहीं वापस लिए गए, और उनपे भी तो सरकार ने उसने कोर्ट ने उस पर टिप्पणी की है। तो सरकार का अपना दायित्व तो था किसी गुण आधार पे, गुण दोष के आधार, जैसे राष्ट्रपति माफ कर सकता है, हो सकता अगर कहीं गड़बड़ी रह गई सरकार उस पे, सरकार की गड़बड़ी ही थी जो सुप्रीम कोर्ट को आज हस्तक्षेप करना पड़ा है। जब आप लोग ना भाई, मिस्टर भट्ट IPS थे वहां पर, गोधरा कांड में उन्होंने कार्यवाही की थी, तो उनको सरकार ने जेल में डलवा दिया, तो उन्होंने जेल में किसकी हत्या कर दी, क्या कर दी, किसकी हत्या कर दी थी, उनको क्यों नहीं छोड़ दिया जाता? अगर उसके आधार पर देना है जिसको सरकार ने बलात्कारी घोषित कराया, सरकार ने केस लड़ा, 20 साल का वो आजीवन कारावास हो गया, उन बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है आ करके कि वो जेल में, अरे जब जेल में तो क्या अपराध करेंगे यार, वहाँ पर वहाँ कौन लड़के जो छेड़ेंगे दोबारा? कोई भी अपराधी होगा तो जेल में थोड़ी करता अपराध, फिर वो बंद है तो बंद है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, और उसको आप छोड़ दोगे तो आप इसका विरोध करते हैं। मिस्टर भट्ट जो IPS बंद है उनको क्यों बंद रखा गया, उनके कौन से आचरण गलत है, उनको क्यों नहीं छोड़ दिया जाता? इसलिए छोड़ नहीं दिया जाता कि गोधरा कांड में उन्होंने आरोपी को आरोपी कह दिया, आरोपी के ऊपर आरोप सिद्ध होने के बाद उनके ऊपर मुकदमा चलाने की कोशिश की, इसलिए। अरे ये दोगलेपन की नीति है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास में, एक तरफ जहां वो कहते हैं आसुनी के साथ क्या हुआ था ये बताओगे, के नैयर के साथ 49 में क्या हुआ था, कांग्रेस से हटा के बाहर कर दिया राम जन्मभूमि वाले मामले में के नैयर ऐसे, और जबकि वो होती समझ गए कोर्ट से लड़ करके वो आया, दो बार विधायक उसको हटकर हटा दिया, जबकि यहाँ गोविंद मल्लभ पंत थे मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा समझ गए ये गलत कर रहे हो, उसके बावजूद जवाहरलाल नेहरू ने उनको हटा कर बाहर, किस लिए? हिंदुओं के सिर्फ भगवान राम को वहां पे कह दिया कि अगर ये हटा दी जाएगी मूर्ति तो यहाँ पे खून खराबा हो जाएगा, उसको नहीं कहा एक केस तुमने ले लिया कि बस वो सरकार 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 कह रहे हो, सरकार नहीं कोर्ट करती है, कोर्ट किसी को सजा माफ कर सकती है, राष्ट्रपति किसी का सजा माफ कर सकता है, सरकार जब ये देखती है आदमी का आचरण 10-15 साल से ठीक है, अब इसकी स्थिति ठीक है, इसको छोड़ देती है। उन्हीं बलात्कारियों का आचरण सही था क्या चाचा? कौन सिर्फ उन्हीं बलात्कारियों का आचरण अच्छा करते हैं आप? कैसे बलात्कारी कोर्ट में सिद्ध हो चुका है, ये बलात्कारी, ये बलात्कारी और संत को एक श्रेणी में तोलना चाहते हैं, ये कहते हैं जितना कड़वा मिर्चा हो उतना कड़वा शक्कर भी होनी चाहिए, संभव है क्या? प्रकृति में है क्या? नहीं है। आप कहकर नैयर की बात करते हैं, वो एक सरकारी पद पर रहते हैं, किसी धर्म विशेष के नहीं हो सकते हैं, लेकिन बलात्कारी की तुलना कहकर नैयर से नहीं की जा सकती है।
मैं कहा हूँ सरकार केस लेने की बात कर रहा हूँ, कहने की जा सकती भाई का अपराधी अपराधी होता हमारा भाई है, अपराधी अपराधी बलात्कारी हमारा भाई है, और जिसके साथ बलात्कार हुआ वो मेरी बहन है, इसलिए मैं इसको सजा दूंगा। और जब हो जाती है बलात्कार, जिसके साथ बलात्कार हुआ वो जैसे ब्याह करके दूसरी जगह जाती है, वो ऐसे बलात्कारी जीजा बन जाता है क्या? नहीं नहीं, तो जीजा तो तुमने बलात्कारी उसको बना रखे होंगे, जीजा आपने उनको बना रखे होंगे। एक बात बताइए चाचा, चाचा एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी एक बार चाचा 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 एक बार चाचा 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट कंधार हवाई जहाज है जहाज हुआ था, किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और किसने हाफिज सईद को किसने छोड़ा था? भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा था, हुआ था। सरकार सरकार कांग्रेस की नहीं थी, सरकार कांग्रेस की नहीं थी, सरकार कांग्रेस की नहीं थी, 14 दल मिलकर के थे, 14 दल मिलकर के थे। सरकार ने उस पर कार्रवाई की, सरकार ने कहा कि परमाणु बम ने, परमाणु बम सरकार ने किया परीक्षण, क्या नहीं सरकार ने किया? 74 में हो चुका था भारत में परमाणु परीक्षण, ये आपने जो है अब्दुल कलाम आजाद ने किया, वो कहा किया था 74 1974 में पोखरण हो चुका है, मना कर दिया था, नहीं हो चुका था, अमेरिका के दबाव मना कर दिया था, चाचा हो चुका है, आप देख लो, आप चेक कर लीजिए, हो चुका था, हम चेक किया है, 1998 में दोबारा हुआ है, 1998 में अब्दुल कलाम आजाद ने किया है परमाणु बम का परीक्षण, परमाणु वैज्ञानिक नहीं थे वो, मिसाइल हाथ जाने थे तो कब गए थे समझ गए, वो परमाणु वैज्ञानिक नहीं थे, परमाणु वैज्ञानिक हमें जागीर बाबा भैया, ये लोग जो दांत का डॉक्टर होगा उससे कैंसर का इलाज करते हैं, ये आप समझ लीजिए, ये वो लोग हैं। ये कहावत है पूर्वांचल में, गांड पे घाव होती है और कपार पे सेंकाई होती है, कीमोथेरेपी यहाँ की जाती है, ये है भारतीय जनता पार्टी की सोच। अच्छा। समझे, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, इनका कहोगे कि अयोध्या यहाँ पर है, फैजाबाद में अयोध्या पड़ता है, तो कहेंगे वो ओली कह रहे थे कि नेपाल में अयोध्या है। अच्छा। जहाँ भगवान राम पैदा हुए थे, ये इस तरीके की बात करने लगते हैं, मक्का मदीना में है अयोध्या, तो कह तो रहे हैं ये लोग, गिरवा दो जाकर के, राम मंदिर अभी बनेगा, मक्का मदीना का वो पता बता दो, जहाँ ये तो मोदी जी दावा करते, प्रधानमंत्री बता दो, मोदी ने थोड़ी दावा की है, मोदी ने कहा तीन हमारे, आप भी कह रहे हो ना मक्का में मंदिर है, ये कह रहे हैं मक्का में मंदिर है, वो पता तो भैया मुझे बता दो, हम भी जाके दर्शन कर रहे हैं, जब हिंदुओं को वहाँ जाने का अधिकार ही नहीं है, केवल लेबर बनकर जा सकते हैं, तो मंदिर कैसे बन जाएगा? अरे ये ऐसी बात करते हैं, ये बंगाल की खाड़ी के समुन्दर को, बंगाल की खाड़ी के समुन्दर का पानी अरब सागर में गिराते हैं ये लोग, समझे, ये इतने बड़े वैज्ञानिक। अच्छा, हैं। अरे एक मिनट, अब इस मुद्दे से दूसरा मुद्दा मैं पूछता हूँ कि जिस तरह ट्रक ड्राइवरों ने घोषणा कर दी है कि हम कल से फिर धरना प्रदर्शन चालू करेंगे, तो क्या लगता है कि सरकार ने उनको आश्वासन देगा कि उनका धरना प्रदर्शन खत्म करवा दिया, बस अब कानून लागू होगा दोबारा से? देखिए, सरकार को तो पहले बात अपने मीडिया पर कंट्रोल करना चाहिए, मीडिया के लोगों को गलत बयानी नहीं करे देना चाहिए, अगर मीडिया ने अफवाह न फैलाई होती कि ऐसा होगा, तो अगर ये उन अफवाह न फैलाती कि ऐसा होगा, तो 3 दिन की स्ट्राइक ना हुई होती, 2 दिन लोग परेशान ना हो रहे होते, पहले दिन ही कर देते कि हम इसका परीक्षण, भाई आप लोग पढ़ लीजिए, आप इसमें अपने अपने सुझाव दे दीजिए, और कोई ऐसा ना करिएगा, उस सुझाव को मानते हुए हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों से बात कर लेते हैं भैया, 2024 के चुनाव में मुद्दे क्या होंगे और किन मुद्दों पर सरकार बनेगी? देखिए, 2024 में जो मेन जो होना चाहिए वो भ्रष्टाचार होना चाहिए, बेरोजगारी होनी चाहिए, महंगाई होनी चाहिए, ये मुद्दे होने चाहिए। किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए, वो तो समय बताएगा, और अगर मेरी व्यक्तिगत राय पूछेंगे तो मैं इंडिया का। क्या लगता है आपको किसकी सरकार बननी चाहिए? इंडिया गठबंधन। भैया आपको? भैया बताइए, आपको किसकी सरकार लगती है कि 2024 में बननी चाहिए? सरकार किसकी बने? हाँ, क्या लगता है आपको किसकी बननी चाहिए? ऐसी सरकार कौन है जो चोर? आपके व्यक्तिगत विचार क्या हैं? मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कि दोनों पक्ष के दो दावेदार हैं, क्या दो ही हैं? उधर राहुल और इधर मोदी। हाँ। क्या दो ही हैं? और कोई देश में नहीं रह गया? तो कौन है आपकी नजरों में? हुँ? इन दोनों को हट जाना चाहिए। कौन बनना आना चाहिए आपकी नजरों में? जो इन दोनों सिक्के, दोनों कौन आना चाहिए? दोनों के रास्ते से अलग बता देंगे जी। एनडीए। किन मुद्दों पर लगता है आपको चुनाव होंगे और किन मुद्दों पर आना चाहिए उनको? हिंदुत्व के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे,
और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ये कहाँ है, और गुंडागिर्दी के मुद्दे पे। ये तो मोदी जी की वॉशिंग मशीन में जो आता है भ्रष्टाचार साफ होकर निकल जाता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अजीत पवार है 75,000 करोड़ का आरोप लगाया मोदी जी ने उनपे, आपने पास लिया आज आरोप 2014 के वॉशिंग मशीन में किया है ना, तो कुछ भ्रष्टाचार दिखाई पड़ रहा है सामने। मोदी जी ने सबका चिट्ठा खोल के रख दिया, पवार है अजीत पवार की बात नहीं हो रही है, चिट्ठा खोल दिया जितने भी भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे तो आप ना कहिए तो भैया, आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए भैया? 2024 में फिर से विकास मुद्दा भारतीय जनता पार्टी लेके पूरे देश 140 करोड़ जनता के सामने पहुंच रही है। 2024 में 400 पार भारतीय जनता पार्टी संसद में सांसद पहुंचाएगी। क्या लगता है किन मुद्दों पर चुनाव होने चाहिए और किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार किसी का भी बने, लेकिन सरकार वो अच्छी है जो शिक्षा बेरोजगार सबको अपने हिसाब से देखे। आपको आप तो चुनाव आ गया है, क्योंकि जो सरकार 5 साल काम करती है, अब सरकार का परीक्षण का वक्त आ गया है। अब किसको लगता है आपको सरकार खरी उतरी है नहीं उतरी है? आप इसके पहले देख लीजिए, जो सरकार सबसे अच्छा काम किया है आप उसको जिताइए। कौन किया अच्छा काम, आप कौन लगता है आपको? देखिए बहन जी कितने अच्छे काम किए हैं बहन जी ने जी। तो मतलब आपको लगता है मायावती जी को चुनाव में जिताना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा क्या लगता है मायावती जी गठबंधन के अंदर आएंगी? अभी हमें नहीं मालूम आएंगी कि नहीं आएंगी, लेकिन आपकी व्यक्तिगत विचार क्या है? हमारा विचार यही है कि बहन जी का सरकार आना चाहिए। इसके पहले हमने भी देखा है सब जगह उनकी सरकार सबसे अच्छी थी। कुछ और लोगों से बातचीत करते सर, क्या लगता है किन मुद्दों पर चुनाव होंगे 2024 के? अभी जो मेन मुद्दे हैं ना इनके, उन पर तो आ नहीं रहे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, काला धन है, अब तो ये मंदिर का सहारा ले रहे हैं हिंदुओं के, बस मंदिर का सहारा। क्या लगता है आपको कि मंदिर के मुद्दे पर ही सिर्फ भाजपा की नैया पार हो जाएगी? मुश्किल है, मुश्किल है। किसकी सरकार लग रही बनती है आपको? किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा, स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। तो छोटे जो राजनीतिक दल हैं उनकी मौज आने वाली, उनकी मौज आने वाली। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? अब ये तो पार्टी तय करेगी कौन बनना चाहिए।